कमाल हो जाएगा, तब तो 31 मार्च की जो रैली होने वाली है रामलीला मैदान की वो तो अद्भुत हो जाएगी। और फिर आप अरविंद केजरीवाल को सोचिए जब वो आत्मा शरीर दोनों के मिलन के साथ उपस्थित होंगे तो आप अद्भुत हो जाएगा ना, आत्मा और शरीर दोनों एक साथ होगी। लेकिन पता नहीं हम लोग मतलब अचानक क्या हो गया है हम सबको, हम लोग अरविंद केजरीवाल का नाम आते ही कुछ विशिष्ट दशा में चले जाते हैं। भाई इसी मामले में कोई और व्यक्ति अभी तक जमानत की तरफ बढ़ नहीं पाया क्या? मनीष सिसोदिया बेचारे वो दोषी हैं कि उनको अभी से मान लिया हमने वो जेल में, दूसरे लोग दोषी हैं और अरविंद ये आरोपी हैं तो उनका आरोप दोष में नहीं बदलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे गंभीर आरोपी हैं, अभी तक को जो स्थिति है उसमें शायद ही किसी को ऐसे मामलों में राहत मिली हो। जितने तरह की चीजें होती हैं जो खबरें आती रही पिछले 8-9 महीने की, उसमें ईडी ने जो जो किया है, जो जो न्यायालय के सामने रखा है, और विशेष करके वो याद कीजिए जब दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने ये मामला गया और ईडी से कहा गया तो ईडी ने कहा कि भाई हमारे पास प्रमाण है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इसको कमरे में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जांच से जुड़ा हुआ मसला है, उसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। वहां दिखाया, अरविंद जी की राहत हटी, शाम को 7 बजे ईडी के लोग पहुंचे, 9 बजे गिरफ्तारी हो जाती है, 11 बजे वो ईडी के मुख्यालय चले आते हैं। तो हम इस तार को जोड़े तब समझ में आएगा जमानत क्यों मिलेगी भाई, और अगर मिल गई तब तो चमत्कार हो जाएगा, तब कल हम लोगों को इसी कहानी कुर्सी के में कहना पड़ेगा कि ईडी बिल्कुल नकारा एजेंसी है, कोई काम ही नहीं की, बिना प्रमाण के अरविंद केजरीवाल को उठा ले गई, और अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो बताएंगे कि दरअसल नरेंद्र मोदी किस किस तरह की तानाशाही कर रहे हैं इन एजेंसियों के जरिए। नहीं, जमानत पर बहस ही नहीं है, ये की गिरफ्तारी गलत है। मैं उसी चीज को बताना चाहता था कि देखिए अभी जो कोर्ट में जो जिस कोर्ट की जो सुनवाई की है वो मूलतः बेल की सुनवाई नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी गिरफ्तारी हुई है वही इलीगल है, वही असंवैधानिक है, वही नियम के विरुद्ध है, और मूलतः यदि ऐसा होता है तो वो सीधे छुटकर के आएंगे, वो बेल उल का मामला नहीं बनता है। बिल्कुल सही, समझ गए कि नहीं? तो मुझे लगता है कि ईडी ये इतना आसान नहीं है, फैसला जरूर सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो बाहर निकल करके आ जाएंगे और ये इलीगल घोषित कर देंगे। आ गए तो आ गए तो जिस प्रकार की अरविंद केजरीवाल की राजनीति है और जिस प्रकार के उनके राजनीति के तेवर हैं, उसमें फिर आप देखेंगे कि दिल्ली की सड़कों पर एक दूसरे प्रकार की राजनीति आएगी। और हम तो कहते हैं कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, दिल्ली नेतृत्व, वो सड़क की लड़ाई लड़ने में अरविंद केजरीवाल से पीछे आ जाता है। सर, एक सेकंड, कोर्ट में हुआ क्या ये दर्शकों को हम बता दें। कुमार सोनू हमारे संवाददाता जुड़ गए। कुमार, ये सोनू ये बताएगा, ये जो फैसला है, प्रश्न क्या है कोर्ट के सामने, एग्जैक्टली कोर्ट को फैसला किस सवाल का करना है ये बताइएगा, और क्या दलील दी गई अरविंद केजरीवाल के पक्ष में उनके वकील की तरफ से? देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष रख रहे थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है पूछताछ की जा सकती थी, गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं था, ये गिरफ्तारी जो है सिर्फ औचित्यहीन है, और गिरफ्तारी करके लगातार ईडी ये कह रही है कि वो असहयोग कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते थे तो गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं हुई, गिरफ्तारी की जरूरत पहले क्यों नहीं थी। इसके बाद हिरासत में पूछताछ का जो उन्होंने बताया कि असहयोग की बात को लेकर जो बात की, उसमें ईडी ने इसका विरोध किया। इसके बाद जो है सिंघवी की तरफ से ये कहा गया कि जो इस केस में दूसरे आरोपी हैं उन्हें सरकारी गवाह बनने के बाद आसानी से जो है जमानत मिल जाती है, अचानक से उनकी कमर में दर्द होता है, उसके बाद ईडी उनकी जमानत का विरोध नहीं करती, और इसलिए उनकी उनकी गवाही को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने वाली पूरी याचिका थी जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, फैसला उसमें ऑर्डर जो है रिजर्व हो गया है, और माना जा रहा है अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश तकरीबन 4 बजे तक जो है आ सकता है। कुमार, में जो है कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है, सुबह से इस मामले में सुनवाई हो रही है, और 4 बजे के करीब जो है ये तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को इसमें राहत मिली या फिर एक बार फिर बड़ा झटका। बहुत शुक्रिया सोनू आपका। देखिए, अब 4 बजे पता चल जाएगा अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर उनकी जो है जेल बढ़ती है। रागी जी को लेकिन लग रहा है बिल्कुल राहत नहीं मिलने वाली है। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल, मुझे जो हर्षवर्धन जी ने जो कहा जी, अभी तक किसी को भी इस मामले में बेल नहीं मिला है इस स्तर पर, इस स्टेज पर जी।
और अरविंद केजरीवाल कोई एक्सेप्शन नहीं है। चलिए ठीक है, कोर्ट में देखना होगा। 4 बजे बड़ा फैसला। हमारी लगातार इस पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि राजनीतिक रूप से प्रेरित ईडी काम कर रही है। मुझे लग रहा है ईडी की जो साख है वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगी इसके बाद, अगर केजरीवाल बाहर, अगर केजरीवाल को हाईकोर्ट में फैसला बेल दे देता है तो निश्चित रूप से ईडी की साख जाएगी और निश्चित रूप से उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी कितना ही बोले कि ईडी ने स्वतंत्र एजेंसी उसने अपना नाम किया है, इसके छींटे भारतीय जनता पार्टी पर भी चुनाव में पड़ेंगे और बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी को यह बताना कि अरविंद केजरीवाल पर जो कार्रवाई हुई थी वह राजनीति से प्रेरित नहीं थी। मुझे लग रहा है 4 बजे जो फैसला आएगा ये दोनों पक्ष के लिए जीने और मरने के समान रहेगा। हालांकि ठीक है भारतीय जनता पार्टी का इसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि जितने कहा जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से एक एजेंसी का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है और निश्चित रूप से केजरीवाल का भी सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। अगर केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है तो यह तय मानिए कि दिल्ली में फिर केजरीवाल की राजनीतिक बची जमा पूंजी है वह पूरी ध्वस्त हो जाएगी। और दिल्ली की 7 सीटें तो छोड़ दीजिए, फिर पंजाब भी आ रहेगी और पूरा विपक्ष जो नैरेटिव बना रहा था वह पूरा ध्वस्त हो जाएगा। भाई लेकिन बाहर आ गए तो विपक्ष को क्या शॉर्ट इन द आर्म मिलेगा? मतलब बीच चुनाव में चलते चुनाव में राहुल जी, देखिए अगर वो बाहर आ जाते हैं तो नेचुरली जिस तरह की उनकी राजनीति है वो और इस ये जो अभी आपको ड्रामा दिख रहा है वो और ड्रामा बढ़ेगा। मैं